मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने पैसा ट्रांसफर किया उस हालत में क्या होता है, आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है और ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, जिनके में आपने भेजा उनके में नहीं पहुंच पाता है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको कितने दिन तक वेट करना है, यदि पैसा नहीं आता है तो आपको क्या करना है, तो ये चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जो भाई एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे हो गया गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, तो आपको ये सब जानना बेहद जरूरी है, जिनका भी पैसा कट जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं, इस कंडीशन में होता है ट्रांजेक्शन फेल्ड या ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में भी हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, जिनके में आपने भेजा है उनके में नहीं पहुंच पाता है, जो प्रोसेसिंग का पैसा है वो किसके खाते में जाता है। 99% मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि लोगों का पैसा अब इतने समय जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग में हो रहे हैं। तो प्रोसेसिंग में पैसा क्यों होती है, लोगों का पैसा क्यों बढ़ता है, अभी मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो भाई आपको कितने दिन तक वेट करना है, यदि आपका पैसा कट जाता है गूगल पे से, यदि आपने गूगल पे से किसी को पैसा ट्रांसफर किया या रिचार्ज किया, उस हालत में क्या होता है, रिचार्ज फेल हो गया या पैसा ट्रांसफर आपने किया पैसा नहीं गया, आपके अकाउंट से कट गया, फेल हो गया, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यदि आपका पैसा प्रोसेसिंग में ही रह गया, आपके अकाउंट से पैसा कट गया, तो भाई आपको क्या करना है। सबसे पहले ये जान लीजिए आपका पैसा क्यों कटता है, जब आप अच्छे नेटवर्क में नहीं रहेंगे, जब आपका नेटवर्क सही से नहीं चलता है, आपका पैसा जो है आपका फेल हो जाता है, आपके अकाउंट से कट जाता है, तो भाई आपका नेटवर्क ना चलने के कारण जो है ये सब कुछ होता है। यदि कट जाता है, आपने वेट किया फिर भी आपका पैसा नहीं आया, तो भाई आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ से, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, दूसरे देखिए, सबसे पहले आप यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पर जब जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद पेमेंट इश्यू पे आपको क्लिक करना है। जब आप पेमेंट इश्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये देखिए दे रहा है पेमेंट से में टेक अप 2-3 बिजनेस डे, यानी इसमें बताया जा रहा है जो आपका पैसा कटा है वो 3 दिन तक आपको वेट करना है, 3 दिन के बाद आपका पैसा नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यानी इसमें साफ साफ कह दिया है कि 3 दिन तक आपको वेट करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है 3 दिन 4-4 दिन लग जाते हैं, ज्यादातर तो लोगों का पैसा 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं उनके अकाउंट में, प्रोसेसिंग में है, प्रोसेसिंग का पैसा आपका कहाँ जाएगा, तो भाई आपको ये सब जानना बेहद जरूरी है। यानी प्रोसेसिंग में यदि आपका पैसा है तो जिनके भी आपने भेजा है 99% यदि फेल नहीं हुआ, जो भी पैसा है उन्हीं के खाते में जाएगा, 100% जाएगा, यानी फेल नहीं होता है, प्रोसेसिंग में है, एक बैग चला जाता है, तो आपका जो पैसा है वो उन्हीं के खाते में जाएगा जिनको आपने भेजा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको सतर्क होना बहुत जरूरी है, यदि आप बाहर गए तो आपका पैसा प्रोसेसिंग में रह गए तो भाई आपको वही सावधान होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसिंग वाला पैसा उन्हीं के खाते में जाता है जिनकी पे आपने भेजा है, यदि वो फेल नहीं होता है। भाई हमारे साथ हो चुका है इसलिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, तो यदि आपका पैसा फेल हुआ है तो आपके अकाउंट में जाएगा ना कि उनके अकाउंट में जाएगा, फेल वाला पैसा आपके अकाउंट में जाएगा, प्रोसेसिंग वाला पैसा उन्हीं के अकाउंट में जाएगा जिनको आपने भेजा है। भाई ये सब जानना बेहद जरूरी है, तो यदि आपका पैसा 3 दिन तक आपने वेट किया पैसा नहीं आया है तो क्या करना है, तो भाई आपको गूगल पे कस्टमर केयर नंबर से बात करना पड़ेगा। यदि आप लोग गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं या फोन पे इस्तेमाल करते हैं तो फोन पे कस्टमर केयर नंबर से बात करना पड़ेगा, यदि फोन पे आप इस्तेमाल करते हैं या गूगल पे करते हैं तो गूगल पे कस्टमर केयर नंबर से बात करना पड़ेगा। जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उस एप्लीकेशन का कस्टमर केयर नंबर होता है, आप बात करें तभी जो है आपका पैसा ट्रांसफर आपके अकाउंट में होगा। तो भाई आपको सतर्क होना है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आपका इसी तरह से होता है। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना, जय हिंद।